हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू कनेक्ट योर फोन विद योर लैपटॉप यूजिंग यूएसबी केबल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फोन से आपका लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है यूएसबी केबल के जरिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर आप पहली बार अपने फोन से लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं यूएसबी केबल से, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति, स्वागत करता हूं राम जी के चैनल में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने जो यूएसबी केबल है उसका एक पोर्ट जो है हमें अपने मोबाइल में रेडमी का फोन या फिर स्मार्टफोन जो भी सैमसंग का हो उसमें हमें इसको आसानी से पोर्ट कर देना है। उसके बाद से फोन को एक साइड में हम रख देंगे और दोस्तों क्या करना है, हमें ये दूसरा यूएसबी केबल का जो दूसरा पोर्ट है इसे हम लगाएंगे लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है। यहां देख सकते हैं कि एक यूएसबी पोर्ट इस साइड होता है, एक दूसरा भी लैपटॉप के दूसरे छोर पर यानी कि उस साइड होता है। ठीक है, तो इसमें हमें इसको लगा देना है बहुत ही आसानी से। आप इसको लगा सकते हैं ऐसे इजिली, देखिए हमने इसको लगा दिया इजिली इस तरीके से। अगर आप इसको लगाते बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके फोन में एक तरह से परमिशन मांगेगा कि क्या आप लोग अपने फोटो वीडियो फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं अदर डिवाइस में। अगर करना चाहते हैं तो फाइल ट्रांसफर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया यहां से। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, यहां पर कनेक्ट करने के बाद भी आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपके लैपटॉप में जो है ये मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने जो मोबाइल कनेक्ट किया है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम जाएंगे दिस पीसी को ओपन करेंगे एंड दोस्तों हम यहां पर देखेंगे बहुत ही आसानी से, आपको भी दिखाई देगा कि यहां पर दिस पीसी में हमारा जो है फोन है वो कनेक्ट हो चुका है। यहां देखिए रेडमी नोट 10 प्रो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दूंगा। अगर आप लोग के मोबाइल से लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा यूएसबी केबल से, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दूंगा। मेरे केस में देखिए वहां पर दिखाई दे रहा है रेडमी नोट 10 लाइट, ओके, कनेक्ट हो। फोटो वीडियो कैसे डालें इसके ऊपर जो है मैंने वीडियो बना दिया है। आप यहां पर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आपको क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा वीडियो। चलिए अब मैं बता दूं कि अगर आपका जो है मोबाइल से लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका मोबाइल आपका फोन लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसमें आपके लैपटॉप की प्रॉब्लम है, फोन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पर विंडो के सर्च बार में नीचे की साइड ये जो विंडो का सर्च बार है यहां पर आपको जो है टाइप करना है एंड यहां पर आपको टाइप क्या करना है, डिवाइस मैनेजर। जैसे आप यहां लिखेंगे डिवाइस तो यहां पर आ जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। इस साइड में आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड में आ जाना है और नीचे देखेंगे तो यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर है। दोस्तों ये एक ऐसा मतलब फीचर्स है विंडो का जिसके जरिए कई सारे लोग जो है लैपटॉप को लॉक करके इसमें जो यूएसबी पोर्ट है उसको लॉक करके रखते हैं ताकि उनके लैपटॉप में एंटीवायरस ना जाए। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि लैपटॉप में एंटीवायरस कैसे डालें तो यहां पर आई बटन पर लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर वाला जो ऑप्शन है यहां पर एक एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर तीन ऑप्शन यहां पर आ रहा है। आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर यूएसबी रूट हब यूएसबी 3.0, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहां पर देखना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर यहां पर लिखा हुआ है इनेबल डिवाइस, ठीक है, तो सिंपली इस पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। यहां पर मेरे केस में देखिए डिसेबल डिवाइस लिखा हुआ है, इनेबल कर देना है, ओके। और यहां पर यूएसबी कंपोजिट डिवाइस दिया हुआ है, इस पर भी राइट क्लिक करना है और यहां पर देखना है कि क्या दिया हुआ है, इनेबल डिवाइस दिया हुआ है तो यहां पर इनेबल डिवाइस कर देना है। अगर दोस्तों आपके लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है और आपका फोन लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है यूएसबी केबल से, तो दोस्तों यही सब मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर इंटेल यूएसबी 3.0, ठीक है, और होस्ट कंट्रोलर है, तो इस पर दोस्तों अगर मान लीजिए ये आपका अपडेट नहीं है तो यहां से सिंपली आप इसको क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। और अगर ये डिसेबल होगा पहले से तो यहां पर इनेबल का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लिक करके इनेबल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अपने लैपटॉप को कर देना है रिस्टार्ट। रिस्टार्ट करने के लिए विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, पावर बटन पर क्लिक कीजिए और यहां पर रिस्टार्ट कर दीजिए। आपका लैपटॉप पूरी तरह से जो है एकदम तैयार हो जाएगा आपके मोबाइल का लैपटॉप, मोबाइल का यूएसबी केबल है उसके जरिए कनेक्ट होने के लिए। तो दोस्तों ये मेन प्रॉब्लम है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप जब भी अपने मोबाइल में यूएसबी पोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो लगाएंगे तो डायरेक्टली दोस्तों आपके फोन में मैसेज आ जाएगा कनेक्टिंग का, यूएसबी फाइल ट्रांसफर इज ऑन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा और इसमें आपको सिंपली फाइल ट्रांसफर एंड्रॉइड ऑटो पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर कई सारे जो सैमसंग का फोन होता है उसमें ट्रांसफर फोटो का ऑप्शन आता है, तो सिंपली ट्रांसफर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों आप चाहें तो अपने मोबाइल से लैपटॉप में वीडियो डाल सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल से लैपटॉप में फोटो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों ये था प्रॉपर तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को यूएसबी केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो रामजी टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर इसी तरह के वीडियो मिलते रहते हैं।